शेप में रहोगे, यानी एक व्यापारी को बढ़ाने के लिए ये नारा गढ़ा है बीजेपी ने। अब मैं राहुल गांधी जी के बारे में क्या बताऊँ, वो जलेबी में क्या ढूंढते हैं, कैसे कारखाने की बात कर लेते हैं, जो मजाक बन गई पूरे हिंदुस्तान में, लोग जलेबी खिला खिला करके उनको चिढ़ाने लग गए थे। यही नहीं, वो आलू से कैसे वो चिप्स सोना कैसे निकालते हैं, कैसे सोना बनता है, ऐसे ही कई प्रकार की बातें वो मनगढ़ंत यानी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। इसका एक कारण है कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया हुआ है, वो घर में ही पढ़ाई की हुई है, वो कभी सरकारी स्कूलों में गए ही नहीं, देखा ही नहीं है। सुरक्षा कवच में घर में बैठ करके मास्टर आकर के घर में उनको पढ़ाता था, और घर में जो कुछ भी पुस्तकीय ज्ञान उनको दे दिया वो ज्ञान ले लिया और उसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। उनको धरातल पे आना चाहिए, समझना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में ये शब्दावली ये बात कही गई है। राष्ट्र के समग्र समाज को एक रखने की बात आदरणीय मोदी जी ने कही है कि इस देश का प्रत्येक समाज संगठित रहे, एक रहे तो सुरक्षित रहेगा। इसमें कहाँ एक व्यापारी की बात आ जाती है। मैं एक बात फिर बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत साफ कहा था कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मंदिर में आराधना करे आरती उतारे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति जरूरी है, राष्ट्रीय चरित्र उनमें चाहिए, देश के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव उनके मन में होना चाहिए, ये एक होना ये जरूरी है। आज यदि हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान हार जाए, जो पटाखे फोड़ता है वो इस देश का नागरिक यानी हो नहीं सकता, ये कतई स्वीकार्य नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन भारत के प्रति समर्पण का भाव, मान सम्मान ये होना चाहिए। इसके लिए एक रहने की बात कही गई है। अब वो क्या नज़र से किस नज़रिए से उसको मोड़ देते हैं, आज तक देश को तोड़ने का काम किसने किया है, सबसे पहले कांग्रेस ने किया, फिर तुष्टिकरण अपना करके परिवार के एक सदस्य को ज़्यादा महत्व देने की बात करते हैं और दूसरे को और कम महत्व की बात दोगे तो समाज नहीं टूटेगा क्या। ये तोड़ने का षड्यंत्र कर कौन रहा है, वोट की राजनीति कर कौन रहा है, वोट प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के और समाज में भेद पैदा करने का काम कौन कर रहा है। अच्छा ये बात बताओ, कभी भी राहुल गांधी जी या कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने ये कभी भी नहीं बोला कि एक कोई नेता हैदराबाद का या सिकंदराबाद का कोई नेता ये कह दे कि 15 मिनट पुलिस को अलग कर दो, मैं हम सब सलट लेंगे, उस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया करते वो, उस पर तो वो बोलते ही नहीं हैं, उनको पता नहीं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक अपने जयपुर में भी एक कोई मौलवी बोल के चले गए थे कि हम यदि सड़क पे आ गए तो आपकी रूह कांप जाएगी, आप सब ने भी अखबार में समाचार में पढ़ा था, तो फिर आप सबको भी गुस्सा क्यों नहीं आता है कि क्या है, किस दिशा में ले जा रहे हैं वो, राजनीति कहाँ ले जा रहे हैं वो, क्या ये। और उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, उसमें तत्काल उसका बहिष्कार करके निकल जाना चाहिए था कि क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कैसे बोल सकते हो कि रूह कांप जाएगी, क्यों कांप जाएगी रूह, सड़क पे तो चलते ही हैं, सभी चलते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, सड़क पे चलोगे तो किसी की रूह क्यों क्यों कांपेगी। लेकिन कोई धमकी भरे शब्दों में यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग को धमकाने का काम करे और उसको हमारे राजनेता सुनते जाएं, मैं सोचता हूं कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। ऐसी राजनीति से मैं तो सोचता हूं कि लांछित होने वाले वो लोग हैं। देखिए राहुल जी की बुद्धि के बारे में मैं क्या जवाब दूँ, वो जलेबी को भी और एक नया कारखाना समझ करके उसके लिए बात कर रहे हैं, वो पहले आलू से सोना कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं, वो हरी मिर्च और लाल मिर्च के भावों में अंतर दे के लाल मिर्च बोने की बात कर लेते हैं, तो मैं उनके बारे में अब क्या कहूँ, वो कुछ भी अपने कैसे भी कहीं से भी कहीं चर्चा कर लेते हैं जिसका कोई मतलब अर्थ नहीं होता, तो बिना अर्थ की बात का जवाब मुझे देना नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है ऐसी बातें करने का, क्या तो क्या। लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा तो बना रहा है कि जो नारा है इससे बांटने की बात की जा रही है, धर्म के नाम पर बांटने की बात की जा रही है। बांटना कहाँ, ये तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक रहने की बात कर रहे हैं, बांटना कहाँ से आ गया। बांटने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने पहले देश को तोड़ा था, ये हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने 50 तरह से बातें करी होगी लेकिन नेहरू जी के नाम पर देश को तोड़ा गया, ये अपन सब जानते हैं। उसके बाद में समाज को तोड़ने की बात कौन कर रहा है, तुष्टिकरण की बात कौन कर रहा है, किस प्रकार से, और कश्मीर वाले इश्यू पर फिर से वो साथ में लगे, धारा 370 वहाँ लगाने की बात कौन कर रहा है,
ये वही तो लोग कर रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में यानी वो ये नहीं समझ रहे, मोदी जी जब 140 करोड़ भारतीयों को एक मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो समाज को एक करने की, इस देश का समाज, देश का समाज, धर्म समाज की बात नहीं करता, देश का समाज एक रहे, इसमें दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आया। समाज एक रहे, सेफ रहे, अच्छी बात है। समाज बिखरेगा, टूटेगा तो बटेगा तो कटेगा, ये सब जानते हैं इस बात को। अब वो तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। हमेशा कांग्रेस ने समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया। आज परिवार के कोई दो भाइयों में भी और एक की सुरक्षा की बात पैदा हो गई होगा, परिवार के एक सदस्य को अधिक कुछ देना चाहोगे, बिना कुछ मेहनत के देना चाहोगे, और दूसरा मेहनत करता है उसको नहीं देना चाहोगे, तो निश्चित रूप से भेदभाव बनेगा, पनपेगा, टूटेगा समाज। परिवार भी टूटता है ऐसे ही, समाज भी ऐसे ही टूटता है। ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, हम कभी भी नहीं करते। हम तो कहते हैं कि एक रहो, राष्ट्रीय चरित्र युक्त नागरिक बने, इस देश के प्रति समर्पण का भाव सबके मन में पैदा हो, ये हमारी सोच है। इसीलिए कहा है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम आपस में बटेंगे तो क्या होगा? आज जिन जिन देशों में एक नहीं रहे हैं, बटे हैं, वहाँ क्या स्थिति बनी है, कितनी दुर्गति हुई है वहाँ पर, कैसे कैसे को देख सकते हो, ये सब अपन जानते हैं कि जहाँ एक नहीं रहे वहाँ कहाँ सेफ रहे। कल पांच मंत्री और वहाँ की राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और कुछ प्रतिनिधि, लगभग 20 के लगभग वहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान में आया कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और सरकार और पार्टी के साथ समन्वय, इसको लेकर के पढ़ने के लिए, सीखने के लिए वो आ रही है। तो मध्य प्रदेश में वो गए थे, मध्य प्रदेश सरकार के साथ में उन्होंने और अपना तीन दिवसीय वो कार्यक्रम उन्होंने किया था, अध्ययन किया था। उसके बाद वो 19 नवंबर, 20 और 21 नवंबर को, 19 को उनका आगमन है, 20 को यहाँ रहेंगे, 21 को वापस लौट करके जाएंगे। तो वो पार्टी कार्यालय में भी आएंगे, यहाँ पर भी आपसे रूबरू होंगे, और फिर सरकार के साथ भी, जो मुख्यमंत्री जी के साथ भी, वहाँ पर भी रहेंगे। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान है उनका भी वो, जैसे एक हम लोगों ने भी सोचा कि अब वो आए तो उनको चौकी ढाणी भी दिखाया जाए, ऐसा एक अभी विचार चल रहा है कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम उनका होगा, ये कार्यक्रम करके। और फिर आमेर, जो मैं सोचता हूँ अपने यहाँ का एक दर्शनीय स्थल भी है और उसको भी हम दिखाएं, और भी एक दो पॉइंट्स और तय करेंगे, समय निर्धारण कर रहे हैं, इनको बताया हुआ है, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी तय करेंगे। तो वो तीन दिन में पार्टी को भी पढ़ेंगे, समझेंगे हमारी कार्यप्रणाली, हमारी संगठनात्मक व्यवस्था, और फिर सरकार कैसे काम कर रही है, विकास किस प्रकार से कर रही है, हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से सरकार की घोषणाओं को पूरा करवाने में अपना नीचे के स्तर तक किस प्रकार से भागीदार बनता है, सहयोग करता है, जनता के अभाव किस प्रकार से दूर करने में वो अपनी भूमिका निभाता है, ये सब चीज़ें उसमें चर्चा का विषय होगी। थोड़ा भाषा का रहेगा, कहीं थोड़ा एक फ्लो, हाउ टू स्पीक इन हाई लेवल इंग्लिश, ये एक प्रॉब्लम रहेगी, तो ठीक है, उसका समाधान हमारे राव राजेंद्र सिंह जी, मैं सोचता हूँ कि वो इसको पूरा कर लेंगे, देखते हैं। कार्यक्रम अच्छा होगा और आप सबका भी उसमें सहयोग अपेक्षित है। धीरज गुर्जर, उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे तो जूते से समझाएंगे, अधिकारियों के लिए ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है, क्या अधिकारी अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं या नेता बाहुबल की तरफ बढ़ रहे हैं? ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जैसा कि आपने सवाल किया। मैं ये कहूँ कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। जो किस दिशा में ले जा रहा है राजनीति को, क्या दादागिरी की राजनीति चलेगी, क्या गुंडागर्दी की राजनीति चलेगी, क्या कोई व्यक्ति पुलिस के संरक्षण में से और किसी को
अपराधी को छुड़ा करके ले जाए, ये क्या बात है? गुंडागर्दी का राज राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं क्या? कोई व्यक्ति कहे कि जूतम पैजार की बात करें, ये कोई राजनेता के लक्षण है क्या? ऐसे संस्कार, ऐसे के बाहुबलियों का राज चलेगा क्या, या नीतिगत राज चलेगा? यानी भारत की राजस्थान व्यक्तित्व कृतित्व ये सब कैसा होना चाहिए, ये निर्णय करें। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से और बेनकाब करने की ज़रूरत है, उनको कभी भी संरक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे वो सब। यदि उनको संरक्षण देने का काम कर दिया और बाहुबलियों का राज पैदा कर दिया, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सभ्य लोगों को राजनीति में कैसे जीवन कैसे वो और अपना स्थान बना सकेंगे, कैसे वो राजनीति कर सकेंगे। और मैं सोचता हूँ कि हमारे मतदाताओं को ऐसा फैसला करना चाहिए कि किस दिशा में वो बढ़ रहे हैं। सेफ अच्छी राजनीति चल रही है, उस राजनीति को और बाहुबलियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं क्या? अधिक पहलवान है वो कुश्ती लड़ करके राज लेना चाहता है, सदव्यवहार नहीं करेंगे, उसको जूतम पैजार की बात समझाएंगे, ये कौन सा तरीका है? कानून नहीं है क्या? कानून का राज होना चाहिए कि जूतम पैजार का राज होना चाहिए, ये तो हम सबको निर्णय करने की ज़रूरत है। मैं तो आप मीडिया से भी निवेदन करूँगा ऐसे व्यक्तियों को और कतई महत्व नहीं दें जो इस प्रकार की बाहुबली की बात करता है। राजनीति या राज्य बाहुबलियों से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं है, फिर नहीं पार्टियों है। ने क्यों इसको धर्म की तलाशी पर तोड़ना सोचा? ये आपने एकदम सही सवाल किया। देखिए कि जिसकी मन का चोर जिसके मन में होता है ना, वो वैसा सोचता है। हमारे मन में बिल्कुल साफ है कि समाज को एक करना, देश का प्रत्येक नागरिक एक रहे, और हमने साफ कहा है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने साफ कहा, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने साफ कहा कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंदिर में आराधना करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, देशभक्ति चाहिए, इस देश के प्रति समर्पण का भाव चाहिए, इस देश के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव चाहिए, यह जरूरी है। तो जब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा पढ़ ले, जाए बैठे बात करें, उनसे चर्चा करें। मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जी को क्यों नहीं और हमारे वरिष्ठ नेताओं से इस विषय पर बैठ करके बात करना चाहिए, समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा, वो सही लाइन पर आ जाएंगे, लेकिन समझने की कोशिश तो करें, समझे तो सही, समझने की कोशिश ही नहीं करें और सीधा आरोप लगा दिया किसी भी प्रकार से, और कहाँ मोड़ करके ले गए उद्योगपतियों की तरफ। अरे इस कौन उद्योगपति है, सर्वा दूसरे इससे बड़े उद्योगपति नहीं है क्या? लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसी बात करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि उनको अभी राजनीति की और देश की एकता की कल्पना उसको समझना पड़ेगा, समझ नहीं रहे वो। जो सदस्यता अभियान लगभग समाप्ति के बाद अब संगठन में मंडल से लेकर अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने, किस तरह से रहेगा राजस्थान में क्या? हमारी प्रक्रिया है और हमारा सही तरीके से, हमारा देखिए आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है हमारी जो आंतरिक लोकतंत्र से चलती है। हमारा सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान में से अब इकाई के चुनाव होंगे, बूथ के चुनाव होने वाले हैं, और जो सामान्य सदस्य है वो वहाँ पर और 1+10 के चुनाव करेंगे। वहाँ पर एक अध्यक्ष होगा, सचिव होगा, और उसके महामंत्री नहीं होता वहाँ पर, सचिव होगा और बाकी सदस्य होंगे, ऐसे चुनाव होंगे। फिर ये लोग मंडल अध्यक्ष को वोट देंगे, मंडल अध्यक्ष के बाद में मंडल अध्यक्ष आगे वोट नहीं करता है, वहाँ आगे होता है हमारा जिले का प्रतिनिधि तय होता है, वो जिले का प्रतिनिधि वो जिला अध्यक्ष को वोट देता है, फिर उस जिले में जितने विधायक हैं उतने प्रदेश प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो प्रदेश चुन करके आएगा, फिर जितने लोकसभा के सदस्य हैं इस प्रदेश में उतने राष्ट्रीय प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का वोट करते हैं। ये हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र है और उसी तरीके से सारे अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर उसके बाद कार्यकारिणी बनती है, उसके बाद सब संगठन का काम चलता है, यही प्रक्रिया हमारी। नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है, बाहुबली राज नहीं चाहिए। बाहुबली ऐसी राजनीति करेंगे क्या, या कोई नीतिगत निर्णय होंगे? आखिर कहीं अधिकारी ने किसी ने भी त्रुटि भी की है तो उच्च अधिकारी बैठे हैं जिनके सामने शिकायत की जा सकती है और उचित माध्यम से सक्षम तरीके से बात रखी जा सकती है। इसमें जूतम पैजार या शक्ति बल प्रयोग, मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता के लिए ये
निंदनीय है, अच्छा नहीं है, कतई नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकार से होता रहा, बाहुबलियों को और संरक्षण मिलता गया, तो राजनीति किस दिशा में बढ़ जाएगी? ये राजस्थान है, शांति प्रिय क्षेत्र है, यहाँ पर बाहुबली को कोई अलग से स्थान मिले, महत्व मिले, ये ठीक बात नहीं है। बाहुबली का मतलब ये राजनेता किसी अधिकारी पर बल प्रयोग करे, जूतम पजार की बात कर दे, शब्द चयन सही नहीं करे, हल्के स्तर के शब्द प्रयोग कर दे, इसको कतई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वो संस्था अपना कार्यक्रम कर रही है तो उसमें मुझे मतलब कोई बुराई नहीं लगती। संस्था दो अलग है, एक हेरिटेज अलग है, ग्रेटर अलग है, वो दोनों ही नगर निगम अलग अलग है, और वो अपना कार्यक्रम करे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो एक ये भी कहता हूँ कि कोई अपने घर में भी खुशी मनाए तो दिक्कत की बात का है। एक परिवार में 5 लोगों अलग अलग मनानी चाहिए, खुशी मनाने में कहाँ ना है, खुशी मनाने में कहाँ दिक्कत है। दो निगमों का खुशी मना रहे हैं ना, विरोधाभासी तो बात नहीं कर रहे हैं। दो निगम का कार्यक्रम एक जगह, एक ही जयपुर के साथ बजट सरकार हो रहा है, पैसा तो सरकार जनता तय करे किस कार्यक्रम में जाए। देखिए मुझे ये देखो सच्ची बात तो ये है कि आपसे ही मुझे पता चला है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती।